हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्यू हेल्प में एक बार फिर से। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपका जो नेट है वो कोई भी अगर ऊपर से ऑन कर लेता है तो भी आपका जो नेट है वो नहीं चला पाए, और ये सिर्फ आप एक छोटी सी सेटिंग करके कर सकते हो। आपको कोई भी ऐप या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक छोटी सी सेटिंग करनी है और आपका जो नेट है कोई भी अगर ऊपर से डाटा ऑन करता है तब भी वो नेट को नहीं चला पाएगा। तो ऐसा ही कुछ इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को आप पूरा अंत तक देखते रहिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लीजिए, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमारी जो मेहनत है उसको सफल बनाता है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको क्लियर कर दें कि आपका कोई भी नेट अगर आपको चलाना चाहता है और ऊपर से मोबाइल डाटा ऑन कर लेता है फिर भी आपका जो नेट है नहीं चलेगा, ये सिर्फ आप जो है दो तरीके से कर सकते हैं, यानी कि आपको दो सेटिंग्स के माध्यम से ये कर सकते हैं। पहली जो सेटिंग है उसके ऊपर हमने एक वीडियो बना दिया है ऑलरेडी, और वो जो है आपको जो उस वीडियो की लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। दूसरा वीडियो का जो दूसरा तरीका है वो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। अब सबसे पहले हम आपको ये बात भी क्लियर कर देते हैं कि सभी मोबाइल के अंदर ये दोनों तरीके काम नहीं करते हैं, लेकिन हर एक मोबाइल के अंदर इन दोनों तरीकों में से कोई ना कोई एक जो तरीका है वो 100% काम करता है। बिल्कुल श्योर है दोनों तरीकों में से कोई ना कोई एक तरीका 100% काम करता है। तो अगर ये जो वाला तरीका जो आज इस वीडियो में बताने वाले हैं ये काम नहीं करता है तो हमारी पुरानी वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वो तरीका आपके फोन के अंदर 100% काम करेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देर किए देख लेते हैं कि वो कौन सी सेटिंग है जिससे कि आप जो है ये कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आ चुके हैं हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आपको सेटिंग के अंदर चले जाना है। यहाँ पर देख लीजिए, इस तरीके का ऑप्शन सेटिंग का दिखाई देगा। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद जिस सिम से आप नेट चला रहे हैं, एक या दो नंबर जो जिससे भी आपको जिसमें आप नेट चला रहे हैं उसको ही सेलेक्ट करना है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको जो क्लिक करने के बाद एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको एक्सेस पॉइंट नेम पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है देख लीजिए, यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर ये जो आइकन है आई की तरह लिखा दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको डिलीट APN का ऑप्शन दिखाई देगा नीचे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डिलीट APN करेंगे तो यहाँ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। आप कुछ नहीं करना, आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद हम आपको देख लीजिए दिखा देते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है। जो डाटा है वो आपको जो चेक कर लेना है कि आपका जो नेट है वो चलेगा या नहीं चलेगा। तो देख लीजिए, यहाँ से हम ऑन कर देते हैं डाटा को, ऊपर से हमने डाटा ऑन कर दिया है। अब हम क्रोम ब्राउज़र के अंदर जाकर देख लेते हैं कि हमारा जो नेट है वो कोई चला पाएगा नहीं चला पाएगा। जो नेट है हमने क्रोम ब्राउज़र ऑन कर लिया है, यहाँ पर हम कुछ सर्च करके देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर हमारा जो सर्च करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर जो नेट है वो नहीं चल रहा है, और जो डाटा है हमारा ऊपर से देख लीजिए ऑन आ रहा है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो ये है कि आप ऊपर से जो डाटा है वो दिखाई दे रहा है लेकिन जो नेट है वो नहीं चल पा रहा है, तो आपका जो नेट है वो कोई नहीं चला पाएगा। इसी तरीके से आप अगर ये सेटिंग कर लेते हो, तो अगर आपको ये वापस दोबारा से रीसेट करना है, आपको नेट चलाना है, तो आपको वापस से जो है मोबाइल की सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है, और वापस से जो है यहाँ पर आपको सिम के अंदर जाना है जिससे आपको नेट चलाना है। उस सिम के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको एक्सेस पॉइंट नेम के अंदर ही वापस से जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 डॉट या 3 डॉट ऊपर नीचे दिखाई देंगे, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा दिखाई देगा रीसेट जो है एक्सेस पॉइंट, इस पर आपको रीसेट दोबारा से कर लेना है। रीसेट पर क्लिक कर देना है और रीस्टोर जो है आपकी जो सेटिंग है वो रीस्टोर होने लग जाएंगी। तो देख लीजिए ये वापस से जो है जियो 4G आ चुका है। अब आपको जो है हम नेट चला के दिखा देते हैं दोबारा से। तो देख लीजिए यहाँ पर जो नेट है ऑटोमेटिक जो है चलने लग गया है। तो यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र के अंदर भी हम आपको दिखा देते हैं। तो क्रोम ब्राउज़र के अंदर जैसे ही आप जाओगे, यहाँ पर आप कुछ भी सर्च करेंगे, जैसे कि हमें जो सर्च करेंगे, तो देख लीजिए जो नेट है वो आपको दोबारा से चलने लग जाएगा। तो दोस्तों, आपका जो नेट है ये सेटिंग करने के बाद कोई भी नहीं चला पाएगा, चाहे ऊपर से जो है डाटा ऑन कर ले, उसके बाद भी कोई भी आपके जो है नेट को नहीं चला पाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो के लिए बनता है एक लाइक, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी मेहनत को सफल बनाता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लीजिए, जिससे कि हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार वीडियो लाते रहें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।